आप देख रहे हैं वीओएस 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा, और पंचायत चुनाव यात्रा हमारा लगातार जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिला केवटी प्रखंड के केवटी रनवे पंचायत में, और यहां से जो मुखिया उम्मीदवार हैं नासरा बेगम जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके पति निवेदक एडवोकेट बद्र आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ तो इनको स्टेट लेवल का एक अवार्ड मिल चुका है। मैं आपको बता दूं इनको जो अवार्ड मिला था वो GPDP अवार्ड मिला था, तो इनको ये अवार्ड मिला था इस बार, और इस बार ये पुनः जो है से तोटी पंचायत से उम्मीदवार हैं। पहले इनसे बात करेंगे, कैसा आपने अपने पंचायत में काम किया था जिसको लेकर आपको GPDP अवार्ड मिला? मैंने अपने पंचायत में इतना अच्छे से काम किया हूँ, जैसे रोड बनवाई हूँ, इंदिरा आवास दिया हूँ, और जितना भी काम हुआ है सब किए हैं, इसके वजह से मुझे GPDP का अवार्ड मिला है। पूरे बिहार में सिंगल मुझे मिला है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि GPDP जो अवार्ड होता है वो स्टेट लेवल पर, अगर पूरे बिहार में जो सबसे अच्छा मुखिया काम करता है उसको ही मिलता है, जैसा कि आपने बताया। तो आप कितने खुश थे उस अवार्ड से, और कैसा आपने काम किया था अपने पंचायत के लिए जिसके लिए आपको इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया? मैंने अपने पंचायत से बहुत खुश थी, इसलिए मैंने अच्छे से काम किया हूँ। जितना भी रोड है, गली नली सब तरह मैं बनाई हूँ, और पब्लिक को भी सेवा करती हूँ 24 घंटा। जितनी घड़ी जो पब्लिक जो समस्या लेकर के आती है उसको मैं हल करती हूँ। अच्छा, इस बार आप पुनः मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, क्या लगता है जनता दोबारा आपको चुनेगी? केवटी रनवे पंचायत की जनता मौका देगी फिर? जी, मुझे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह मुझे जनता फिर से दोबारा मुखिया बनाएगी। अच्छा, पूरा उम्मीद है, हाँ। किस चीज़ को लेकर, अवार्ड को लेकर या फिर अपने काम को लेकर? मैंने काम को लेकर के, अवार्ड के लेकर के भी इतना जनता को काम किया हूँ, इसलिए जनता फिर से दोबारा मुझे चाह रही है। अच्छा, यानी इस पंचायत की जनता पर आपको भरोसा है? बहुत भरोसा है कि फिर से मुखिया मुझे बनाएगी। अच्छा, तो कितना उम्मीद करें जो फिर से आप मुखिया बन रही हैं? पूरे से पूरे उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा मुखिया मैं बनूंगी। अच्छा, ये बताइए, 5 साल से आप केवटी रनवे पंचायत की मुखिया हैं, 5 साल में आपने क्या सब काम किया है यहाँ? 5 साल में मैंने बाढ़ का पैसा सबको दिलाई हूँ, सबको इंदिरा आवास दिलाई हूँ, रोड गली नली सब बनाई हूँ। अच्छा, हमेशा देखा जाता है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार होता है बहुत, अधिकतर पंचायत में बताया जाता है कि शौचालय योजना में या फिर जो आवास योजना है उसमें पैसा लिया जाता है, तो आपने क्या इस योजना के तहत क्या पैसा लिया, या आपके यहाँ कोई बिचौलियों ने पैसा लिया, क्या कहें? नहीं, मेरे यहाँ इस तरह का काम नहीं होता है, मैंने किसी से नहीं लिया हूँ और नहीं किसी को लेने देती हूँ। जनता जितने भी आते हैं मेरे ही दरवाजे पे आते हैं, सबको जितना भी काम होता है मैंने अपने डायरेक्ट हल करती हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, इस वक्त आपके पंचायत की जनता आपको सुन रही है, आपको देख रही है, क्या कहेंगे उन जनता को दोबारा मौका दे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जनता से गुजारिश करती हूँ कि फिर से दोबारा मुखिया हमको बनाएं। अच्छा, और आगे जो डेवलपमेंट का काम है, जो विकास का काम है, क्या होता रहेगा? हाँ, जितना भी काम बचा खुचा है थोड़ा बहुत, मैंने सब 5 साल में फिर मुखिया बनने जा रही हूँ, वो सब पूरा कर देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि अब 5 साल से मुखिया आप हैं, फिर आप बनना चाहती हैं, क्या सब छूटा पड़ा है और क्या और आगे करेंगी? थोड़ा बहुत होगा पंचायत में, कुछ काम छोटा हुआ, कुछ काम सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जैसे रोड है जो जिसमें कोई भी ना बनाने दिया, 1-2 आदमी जो वो रोड बचा हुआ है उसको मैंने फिर से सिलेक्ट करके मैं बनवा दूंगी। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल से आप मुखिया हैं, तो ये बताइए 5 साल में कितने लोगों को आपने इंदिरा आवास दिया है और कितने लोगों को शौचालय का जो लाभ होता है वो आपने पहुँचाया है? लगभग कुछ ही आदमी बचा होगा इंदिरा आवास में भी और शौचालय में भी। तो क्या आप आगे मुखिया बनेंगे तो मिलेगा? हाँ, इंशाल्लाह मैं आगे मुखिया बनूंगी, सबको पूरा कर दूंगी। चलिए, यहाँ पे इनके पति भी हैं, एडवोकेट हैं, और इनका नाम है बद्र आलम, और इनसे भी बात करते हैं इनके कामों को लेकर जो अवार्ड मिला था। आप कितने पर्सन हैं, कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनको सहयोग भी करता हूँ। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में जितना भी काम होता है वो धरातल पर होता है, यहाँ कोई भी बिचौलिए बीच में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे यहाँ जितने भी रोड बने हैं, अभी आप पंचायत में जा करके घूम करके देख लें, जिस रोड पर विवाद है वही रोड आपको PCC नहीं बना है, जिस रोड में विवाद ख़त्म है वो PCC बन चुका है। दूसरी बात, हमारे यहाँ महादेव मंदिर है, उसके बगल में घाट है, वो चारों तरफ मैं भी प्रयास किया हूँ, चूँकि मेरी पत्नी ही मुखिया है, और वहाँ घाट बनाया गया है, और जो भी समस्या है, यहाँ एक हाट है, उसके बाद पोखर है जो स्विंग अर्न करती है, ये अवार्ड जो मिलता है उसमें जो सरकार द्वारा जो पैसा दी जाती है उसका 100% आप उपयोग करते हैं तो उसमें अवार्ड मिलते हैं, उसके कंपटीशन में जाना पड़ता है। दूसरी एक बात है यहाँ कि
जब कभी भी हम लोग किसी भी धरातल पर जाएंगे तो आपको काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है और उसमें हम लोग जनता का सहयोग प्राप्त होता है। वहाँ हम लोग रोड बनाना हो, नाला बनाना हो, जो भी काम हो वो हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपसी सहमति से डेवलपमेंट हो जाए। और जहाँ पर ज़मीन विवाद है वहीं बचा हुआ है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला प्लान है कि हम अगर सहयोग करके और मेरी पत्नी मुखिया बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल जो हम काम किए हैं उसका वन जरूर मिला। मेरे यहाँ बाढ़ भी लगभग 4 बार आया है, जिसमें हम प्रयास करके 100% लोगों को कोशिश किए हैं कि सबको मिल जाए और लगभग मिल भी गया है। कुछ लोगों का बकाया है जो अभी भुगतान हो रहा है। हम अगला प्लान हम लोग बना चुके हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की, जिसके लेकर के एनएच वाले से परेशानी बढ़ चुकी है। एनएचसी नहीं दे पा रही है, कई बार प्रयास करने के बाद भी नहीं देता है। दूसरा है कनेक्टिविटी रोड, चूँकि गाँव बहुत अंदर सुकड़ गया है, लोग घर बनाना शुरू कर दिए हैं। कनेक्टिविटी रोड चाहते हैं एक दूसरे टोला से जोड़ दें, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट जो होगा तो लोग बाहर जाके अपना घर बनाएंगे। तीसरी एक और चीज़ है, स्वच्छता पर मेरा फोकस रहेगा। मैंने घोषणा पत्र में भी दे दिया हूँ कि स्वच्छता पर प्रत्येक वार्ड में डस्टबिन रहेगा और एक स्वीपर की बहाली करेंगे। वहाँ एक स्वीपर बहाल होगा जो कूड़ादान में कलेक्ट करेगा और एक गाड़ी की व्यवस्था करेंगे जो ब्लॉक स्तर पर उसको पहुँचाया जाएगा। ये 4 फ्यूचर प्लान है हमारे यहाँ। 24 आवर किसी वक्त भी अगर जनता को किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है किसी भी तरह की, तो मेरे यहाँ बेफिक्र होकर मेरे घर पे आते हैं, हमको बुलाते हैं, हम दस्तक देते हैं और उनकी जो समस्या का समाधान करते हैं। अभी बताइए अब और पंचायत भवन में, मेरा पंचायत सरकार भवन भी हमारे ही समय में बना है, जो पंचायत सरकार भवन में भी हम लोग बैठते हैं, वहाँ जनता लेके समस्या आती है। अच्छा, ये बताइए अब काम को लेकर 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, इसको लेकर कितना उम्मीद है आपके अंदर? मुझे 101% उम्मीद है कि मैं आऊँगा, चूँकि मैं आपको पूरी उम्मीद है, चूँकि आप यहाँ 4-5 लोग मुखिया बने हैं, बहुत अच्छे मुखिया भी बने हैं यहाँ, अच्छा काम भी किए हैं, उस श्रेणी में मेरी भी गिनती होती है, हमने भी अच्छा काम किया है। और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ये पंचायत एजुकेशन से भरा हुआ, 90% लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग जो निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय लेते हैं। और मैं जाके जनता से यही कह रहा हूँ कि मैं अगर अच्छा काम किया हूँ तो मुझे एक मौका और दीजिए, उसके बाद इससे भी बेहतर काम करके हम दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए 15 नवंबर को आप मतदान होना है, क्या कहेंगे अपने पंचायत की जनता? मैं मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि अहले से वह उठकर अपने मताधिकार का, अपने बूथ पर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही आदमी को चुने, जो आपका काम किया है उनको चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारा पंचायत चुनाव यात्रा जारी है और आज के शो में हमारे साथ बात कर रही थी नासरा बेगम, और इनके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है, और इनके पति जो एडवोकेट हैं उनका नाम है बद्र आलम, इनसे भी हमने बात किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।